नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम लेते हैं कक्षा 10 विषय हिंदी अध्याय 8 सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आज का जो भाग है 7, इस कविता झांसी की रानी कविता का 7वां भाग है। तो इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या बताया है, इसमें कवियत्री ने ये बताया कि जो अंग्रेजों का शासक डलहौजी था, उसने अपने कुटिल नीति के कारण सभी भारत के देशी राज्यों को हड़पने का काम शुरू कर दिया था। तो वो किस प्रकार से उन्होंने पूरे भारत के राज्यों पर अपना आधिपत्य जमा लिया, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें कवियत्री बता रही हैं कि जो अंग्रेजी शासक डलहौजी था, उसने अपनी कूटनीति के कारण भारत के जो राज्य थे उनको हड़पना चालू कर दिया उसने, और उनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अनुनय विनय नहीं सुनती है, यानी जो अनुनय का मतलब होता है जो निर्दयी उदंड जो शासक होते हैं, तो अनुनय विनय नहीं सुनते हैं, यानी वह ना तो प्रार्थना सुनते हैं और ना ही वह नीति की कोई बात सुनते हैं। अनुनय यानी नीति की बात, तो ना तो वह प्रार्थना सुनते हैं ना ही वह नीति की कोई बात सुनते हैं। विकट शासकों की माया, विकट यानी जो उदंड होते हैं, ऐसे शासक जो अंग्रेजी शासक डलहौजी था वो उदंड और निरंकुश शासक था अंग्रेजों का, तो वो शासक ना तो वह नीति की बात को सुनते हैं ना ही वह प्रार्थना को सुनते हैं। जो निरंकुश और उदंडी शासक जो होते हैं वो इस प्रकार के बातों को, नीति की बात को नहीं सुनते हैं और प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया, जब अंग्रेज, यही अंग्रेज जो थे उस समय पूर्व भारत में व्यापारी बनकर आए थे, और वह भारत के राजाओं की दया पर निर्भर थे कि किसी प्रकार हमें भारत में व्यापार करने दिया जाए। तो भारतीय राजाओं ने उनको मतलब सहयोग किया और उनकी प्रार्थना को माना। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, लेकिन डलहौजी जो अंग्रेजी शासक था, निरंकुश शासक, तो उसने क्या करा, उसने अपनी कूटनीति के कारण देशी राज्य जो भारत के देश के राज्य थे, तो उन सब को अपनी कूटनीति के कारण अपने कानून बनाकर और सबको अपने आधिपत्य में ले लिया, जिससे उनकी जो कंपनियां थी, जो अंग्रेजों की जो कंपनियां थी, तो उनकी काया ही पलट गई। अब कंपनियां जो थी उनकी काया पलटने से कंपनियों ने पूरे जितने भी राजा नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, यानी कंपनियां बड़ी हो गई और उन्होंने जो भी भारतीय राजा थे, नवाब थे, उन सबको अपने पैरों से ठुकरा दिया, यानी उनको अपने से अलग कर दिया और उन पर शोषण करने लगे, अत्याचार करने लगे। रानी दासी बनी ये दासी अब महारानी थी। अब क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने इस प्रकार से अपनी कूटनीति चलाकर अपने कानून बनाकर सभी राज्यों को हड़प लिया और कंपनियों की उनके काया पलट गई,
तो जितने भी भारतीय राजा थे तो वह आपस में उनमें फूट डालने का काम अंग्रेज़ों ने किया, और उनकी विलासिता के कारण जो राजा थे वो तो दास बन गए, भारतीय राजा थे वो दास बन गए, और अंग्रेज़ जो दास थे भारतीयों के वो राजा बन गए। तो इस प्रकार से रानी दासी बनी, यह दासी अब महारानी थी। तो जितनी भी वहाँ की भारतीय रानियाँ थी राजाओं की, तो वो जो रानियाँ थी तो वो दासी बन गई, और जो अंग्रेजी थे अंग्रेज़ लोग थे तो वो जो दास थे भारतीय राजाओं और नवाबों के वो राजा बन गए। तो इस तरीके से जो है कहानी जो है हमें कवित्री बता रही हैं कि बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, यानी बुंदेलखंड के लोगों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी इसमें कहने का मतलब यही है कि जब अंग्रेज़ों ने इस प्रकार से पूरे भारत के देशी राज्यों को हड़पना चालू कर दिया अपनी कानून नीति से, और फूट डालने का काम उन्होंने किया सभी भारतीय राजाओं में, तो उस फूट डालो राज करो वाली नीति को अपनाया, और जिसके कारण भारत में अंग्रेज़ों का शासन हो गया, और उसी के विरोध में जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मर्दों की तरह अंग्रेज़ों पर प्रहार किए। तो यह है, इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसमें थोड़ा कठिन शब्द है वो बता देता हूँ। अनुनय का मतलब होता है न्याय की बात, विनय यानी प्रार्थना, विकट यानी विकट शासक का मतलब होता है निरंकुश या उदंडी शासक। व्यापारी बन दया चाहता था, यानी अंग्रेज जो थे भारत में व्यापार करना चाहते थे, कुछ समय पूर्व व्यापारी बनकर आए थे भारत के अंदर, तो वह व्यापार करना चाहते थे, तब भारतीय राजाओं ने उन पर दया खाई, और उस दया पर वो निर्भर थे, तो वह भारत में अपना व्यापार करने लगे। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गए, लेकिन जो अंग्रेज शासक डलहौजी था उसने धीरे धीरे देशी राज्यों को अपनी कानून बनाकर अपने नियम बनाकर और कूटनीति के कारण सभी राज्यों को अपने अंडर में ले लिया और उन पर अधिकार जमा लिया। तो फिर उसके बाद में जब उनकी कंपनियां थी तो उनकी कंपनियों की जो है काया ही पलट गई, और फिर राजाओं और नवाब जितने भी भारतीय राजा और नवाब थे और उनको भी वह पैरों तले ठुकराते रहे। तो इस तरीके से इन्होंने अंग्रेजी शासक डलहौजी ने कार्य किया अपनी कूटनीति के कारण। तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे, और अगला भाग मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। भाग 8 आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें कवित्री ने क्या बताया है, इसमें कवित्री कह रही है कि भारत के जितने भी देशी राज्य थे उनको लॉर्ड डलहौजी ने अपने ब्रिटिश शासन में मिला देने का, जो उन्होंने कूटनीति के कारण कार्य किया है उसका विवरण इसमें दिया गया है। कवित्री क्या कह रही है, चीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बाद तेर पेशवा था विपुर ने हुआ नागपुर का भी था जयपुर तंजोर सतारा करने कौन पिसा जबकि सिंध पंजाब वहाँ पर भी हुआ था वज्र निपात बंगाल मद्रास आदि की भी तो वही खानी थी बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली कहानी थी। उसने जो कवित्री बता रही है कि किस प्रकार से अपनी कूटनीति से लाटन ने भारत के देशी राज्यों को अंग्रेजी शासक ने शामिल कर दिया था, तो चीनी राजधानी दिल्ली की कूटनीति के कारण डलहौजी ने सबसे पहले राजधानी दिल्ली को अपने अधीन कर दिया, और लखनऊ को भी उन्हें अपने बातों में अधिकार कर लिया। केल पेशवा था विठूर में, और जो बाजीराव पेशवा थे उनको विठूर में कैद कर दिया गया, और हुआ नागपुर का भी था, और नागपुर में भी उन्होंने अपनी कूटनीति से
जो है अधिकार कर लिया। उदयपुर, तंजोर, सतारा, कर्नाटक की कौन सा? उदयपुर में, तंजोर में, सतारा में, कर्नाटक में, सिंध में, सब पर उसने अपनी अनीति का कठोर प्रहार करके उनको भी अपने अधिकार में कर लिया। जबकि सिंध, पंजाब, हरियाणा पर हुआ था, वो जो त्रिपाठी ने अपनी कूटनीति से और अपनी अनीति से जो है लाडला लोधी ने उदयपुर, तंजोर, सतारा, कर्नाटक जो भारतीय देशी राज्य थे उन सब पर अपना अंग्रेजी शासन स्थापित कर दिया। बंगाल और मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, यानी बंगाल और मद्रास को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और वहाँ पर भी उसने लाडला लोधी ने अपना अंग्रेजी शासन स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है हम बुंदेलखंड के लोगों के मुँह से सुनते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कवित्री बता रही हैं कि किस प्रकार से लाडला लोधी ने अपनी कूटनीति के कारण सभी भारत के देशी राज्यों को के ऊपर अपना अंग्रेजी शासन स्थापित कर दिया और पूरे भारत पर अपना राज कर दिया। तो ये है, इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगले पार्ट में मैं आपको इसका अगला भाग बताऊंगा अगले वीडियो में। और अगले भाग में भी यही बताया गया है कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने जो है जो भारत के जो राजा थे उनकी रानियां बैग में जो थी उनको उनके जो कपड़े और वस्त्र थे जो कपड़े और आभूषण थे उनको सरेआम बाजार में बेचकर उनको नीलाम किया। तो उससे रानी और बैग में जो थी वो बहुत दुखी हुई और अपने आप को अपमान महसूस करने लगी। तो ये कल के वीडियो में आपको बताऊँगा।